आरएसएस पे कुछ सवाल करने जरूरी है। आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इतनी महत्वपूर्ण जगह क्यों है? तो आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन कब करवाएगा ये बताए, आरएसएस बताए भाजपा। भाजपा वाले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वैसे बनकर वे केवल भाजपा के प्रधानमंत्री रह गए हैं। ये जरूर जानना चाहते हैं हम कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इतने महत्वपूर्ण आरएसएस को के सर संचालक से वो मिलने कभी गए या उनको कभी बुलाकर उनसे वार्ता करी? आखिर आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच में चल क्या रहा है? एक बड़ी बात आजकल जो देखने को मिल रही है, आरएसएस एक अलग रास्ते पे चल रहा है। आरएसएस जानता है कि उन्होंने भाजपा को बनाया है, लेकिन आज उनके महत्व को कम करके देखा जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग राज्यों में उन्हें बुला लिया जाता है और गवर्नमेंट्स की, भाजपा सरकारों की रिपोर्ट कार्ड उन्हीं के द्वारा देखी जाती है, मगर ये लोग ऐसे ऐसे संगठन मंत्री बनाते हैं, क्योंकि भाजपा के हर राज्य में एक संगठन मंत्री होता है जो भाजपा, जो आरएसएस का होता है। कईयों के ऊपर सवाल उठते हैं और उत्तराखंड वाले जो थे संगठन मंत्री संजय कुमार, उनके ऊपर तो यौन उत्पीड़न का आरोप लग गया। भाई, आखिर वो ब्रह्मचारी थे, और ब्रह्मचारी थे तो क्या हुआ, है तो इंसान ही, उनकी भी शारीरिक जरूरतें थी, तो उन्होंने एक उठा के अपनी ही कार्यकर्ता महिला का बिल्कुल यौन शोषण कर दिया। उसके एफआईआर को दर्ज करने नहीं दिया जा रहा था, बहुत बवाल मचा, एफआईआर दर्ज हुई, मगर उनको यहाँ से हटा के कहीं और पोस्टिंग मिल गई, और वो जो लड़की है आज भी दर दर की ठोकरें खा रही है। तो ये है आरएसएस का चेहरा। अब आरएसएस के चेहरे में सवाल बड़े सारे उठते हैं, भाजपा, या मैं कहूँ नरेंद्र मोदी भाजपा, नरेंद्र मोदी जी और सर संचालक के बीच में लगता है कुछ ठीक ठाक नहीं है। नितिन गडकरी जी की हमने बहुत सारे बयान सुने हैं पिछले कुछ समय में, और अब तो सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या इनके सर संचालक वही, मतलब कला और संस्कृति वाले, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक प्रधानमंत्री से दिक्कत पाते हैं? क्या उनके बीच में सामंजस्य नहीं बन रहा है? ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के बीच में आपको याद होगा 2019 से सामंजस्य बिगड़ चुका है। आप ये बहुत सारी बातें बताते हैं भाजपा वाले। भाजपा कहती है कि हर बार हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल देते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बदलो, लेकिन आप लोग चुनाव थोड़ी करते हैं। आपका तो जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, पहले आरएसएस होती तो आरएसएस बताता था कि भाई इसको बनाना है अध्यक्ष, तो आप बना देते थे। आप ये सब बातें भले ही कहते रहे कि यहाँ से कुछ फीडबैक आई, मतलब कुछ दिमाग ही नहीं है भाजपाइयों का। अगर ब्लॉक लेवल से सब जगहों से कोई सुझाव आते, फिर भी इनका कंसेंसस बनता, और कंसेंसस का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नहीं, कंसेंसस, यूनानिमस। सो कंसेंसस का मतलब होता है कि हमने चुना, बस ये सबको एक्सेप्टेड होना चाहिए। यूनानिमस होता है जब सब कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे आके इस बात को माने कि इस व्यक्ति को चुनना है, तो ये कंसेंसस कैंडिडेट आते हैं। मगर कमाल है ना, जो हर बार बदल जाता है भाजपा में, उनका जो फाउंटेन हेड है, जो उनकी जननी है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहां पे जो एक बार कुर्सी पे बैठ जाता सर संचालक की, वो नहीं हटता। अब तक केवल 6 सर संचालक हुए हैं जी। तो अगर हम बात करते हैं शुरुआती समय से अब तक केवल 6 सर संचालक हुए। पहले हेडगेवार, दूसरे गोलवालकर, तीसरे मधुकर दत्तात्रेय देवरास, फिर राजेंद्र सिंह, के एस सुदर्शन और मोहन भागवत। मोहन भागवत 21 मार्च 2009 से सर संचालक बने हुए। भाई, किसी और को मौका नहीं मिलेगा क्या? बस यही बने रहेंगे। तो जो ये बातें बताते हैं, तो ये एक ऑब्वियस है, राजनीतिक अपने आप को नहीं बता रहे, राजनीति का सारा काम करते हैं पर राजनीतिक स्वयं को नहीं बताते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकी एक राष्ट्र सेविका समिति है। तो मैं बता दूं कि जब हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनाया, तो उसके पहले केलकर उनके पास गए और उनकी बहुत लंबी चौड़ी इनके साथ बातचीत हुई कि एक महिला विंग भी होनी चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर। मगर हेडगेवार ने लक्ष्मीबाई केलकर को कहा कि नहीं, आप महिलाओं वाली जो है
वो एक अलग से बनाई है, उसको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट रखी है, उसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं होगा। महिलाओं से कितनी नफरत, महिलाओं को नीचा कितना दिखाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फिर केलकर उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति वर्धा में 25 अक्टूबर 1936 में उसकी स्थापना करी। तो राष्ट्र सेविका समिति जो है, इसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं और अब भी नहीं लेने देना, लेकिन क्या कुछ बदलाव नहीं लाने जाने चाहिए? अब जो सर संचालक है वो मुसलमानों से जाके मिल रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा असर हो रहा है, वो देख रहे हैं कि देश जो है वो एक साथ आ रहा है और धर्म निरपेक्ष देश में धर्म निरपेक्षता का डंका बज रहा है, और जहां जहां पे इन्होंने लोगों को बांटा है धर्म के नाम पर, वहां वहां भी ये जानते हैं कि खतरा मंडरा रहा है। अब जो सर संचालक हैं आपके मोहन भागवत जी, वो जाते हैं शाही इमाम से मिलने। आजकल मुसलमानों से बड़ा प्यार हो गया, वो क्या बात हो गई भाई। और लोग कहते हैं भाजपा वाले कि नहीं नहीं, वो तो मिल रहे हैं, वो तो सब पूरे देश को एक साथ चलना ही चाहिए। ये कौन सी तुष्टिकरण कर रहे हैं आप लोग? ये तुष्टिकरण शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, ये बता रहा है ये आपका है डर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर कांग्रेस की और जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा को देखकर डर रहे हैं आप। डरना भी चाहिए, ये डर अच्छा है, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपने अंदर बदलाव कब लाएगा? किसी से जाकर मिलकर दिखावा करके षड्यंत्रकारी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। आप षड्यंत्रकारी थे, हैं और रहेंगे, मगर ये बताइए कि गोलवालकर तो जेल भी गए थे ना, उनको सरदार पटेल ने जेल में डाला था महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में, छूट गए क्योंकि कोई तथ्य मिले नहीं उनका, कोई एविडेंस साक्ष्य मिले नहीं उनको इम्प्लिकेट करने के लिए। लेकिन डाला तो था ना, 3 बार बैन भी हुआ देश की आज़ादी के पहले, एक बार जब महात्मा गांधी की हत्या के समय में, और गिड़गिड़ा के गोलवालकर जी सरदार पटेल से कहते रहे कि भैया इसको हटा दो, इस बैन को हटा दो, आप भी जानते हैं इसके बारे में। मगर अब करते हैं बात कि किस तरीके से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास एक महिला सर संचालक नहीं हुई आज तक। तो अब अगर बदलाव करना है तो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिला सर संचालक को अवश्य बनाइए, तब समझ में आएगा कि कुछ बदलाव हो रहा है आपके अंदर। और अपने आप को रजिस्टर करा के एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में स्थापित करिए। ये जो सोशल आप बनते रहते हैं ना, तो कला और संस्कृति के क्षेत्र को छोड़ के आप राजनीति में आ चुके हैं, इस चीज़ को मान लीजिए। देखते हैं कि कब करेगा बदलाव आरएसएस अपने अंदर, और राष्ट्र सेविका समिति जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उनकी महिला जो भी सर संचालिका होती होंगी या जो भी होती होंगी, उनको कब आप इम्पोर्टेंस देंगे, ये भी देखना चाहते हैं।